129वां सर्ग। बचे हुए दो विप्रचित्तों के वृत्तांत का वर्णन तथा उनमें से एक की मृक्ता के अंत में श्री रामचंद्र जी से भेंट का वर्णन। एक विप्रचित भगवान श्री विष्णु के अनुग्रह से ज्ञान पाकर मुक्त हो गया और दूसरा आज भी अविद्या में भ्रमण कर रहा है। यह सुनकर बचे हुए दो विप्रचित्तों का समाचार श्री रामचंद्र जी श्री वशिष्ठ जी से पूछते हैं। चंद्रलोक में और सालमली द्वीप के राज्य में रोके हुए तथा भोगों की असारता को जानने वाले उन दो विप्रचित्तों के पूर्व और दक्षिण दिशा को प्रस्थित विप्रचित्तों के पूछे पूर्वोक्त वृत्त के अनंतर आगे दिगंत दर्शन वर का क्या हाल हुआ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, उनमें से एक विप्रचित चिरकाल से अभ्यस्त वासना से विवश होकर विविध शरीरों से भिन्न भिन्न द्वीपों में भ्रमण करता हुआ उत्तर पश्चिम उत्तर विप्रचित की पद्धति को ब्रह्मांडों के जलादि आवरणों के उल्लंघन द्वारा सबल ब्रह्म में करोड़ों संसारों में भ्रमण रूप पदवी को प्राप्त हुआ। परमाकाश रूपी खोखले में उसी प्रकार उत्तर विप्रचित की ही तरह ब्रह्मांड के आवरणों को एक के बाद एक छोड़कर करोड़ों संसारों को देखता हुआ आज भी उसी अवस्था में स्थित है। उनमें से दूसरा यानी पूर्व को प्रस्थित विप्रचित चंद्रमा के समीप में स्वयं अभ्यस्त चंद्र मृग में अतिशय प्रेम रूप आसक्ति के कारण चंद्रमा के साथ प्रतिभा अत्यंत भ्रमण कर रहे अपने शरीरों से युक्त होकर उसका त्याग कर चुकने के बाद आज मृग बनकर पर्वत पर स्थित है। राजा विप्रचित के अंतःकरण और शरीर का चार प्रकार से विभाग होने पर भी एक रूप वासना का विभाग अथवा अधम और उत्तम फल का भेद संभव नहीं है, यह श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। गुरुवर, चारों विप्रचितों की एक ही वासना जो सदा उचित थी वह अधम और उत्तम फल देने वाले भेद को कैसे प्राप्त हुई। दिगंत दर्शन रूप उत्कृष्ट अभिलाषा सबकी एक ही थी, फिर भी किसी की मुक्ति हो गई। कोई अविद्या में लगातार चक्कर लगा रहा है तथा कोई मृग बन गया, ऐसा भेद वह कैसे हुआ, यह आशय है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसे रामचंद्र जी, प्राणी की खूब अभ्यास को प्राप्त हुई वासना देश काल और कर्म कुवश कोमल और अत्यंत परिपाक से बुद्ध मूल होती है। कोमल वासना भेद को प्राप्त होती है पर परिपाक वश बद्ध मूल वासना भिन्न नहीं होती है। वासना की एकता और विभाग में क्या हेतु है उस पर कहते हैं देश काल कर्म आदि की एकता। वासना की एकता है यानी जब भोग्य फल के अनुकूल देश काल कर्म प्रत्यक प्रयत्न रूप सामग्रियों की एकता होती है तब उसके अनुकूल समान विषय वासनाएं भी एक होती है। जब पूर्वोक्त सामग्रियों में भेद होता है तब वासनाएं भी भिन्न होती है, लेकिन जब समान देश काल कर्म और फलवासी कोई वासना और भिन्न देश काल कर्म और फलवासी दूसरी वासना हो यो दो वासनाएं उद्भूत हो तब उसके बीच में जो बलवती होती है उसकी जीत होती है। इसी रीति से ये विप्रचित एक साथ उत्पन्न विरुद्ध देश काल आदि में भोग्य वासना के विभाग से उत्पन्न शरीर भेद से चार होकर रहे। उनमें से आदि दो अविद्या के लिए वासनाओं से आकृष्ट हुए, एक मृग बनकर वासना का शिकार बना और एक की मुक्ति हो गई। भ्रांति पूर्ण बुद्धि वाले उन तीन विप्रचित को आज भी अविद्या का अंत प्राप्त नहीं हुआ। हजारों अज्ञानियों से वृद्धि को प्राप्त हुई, ये अविद्या निस्सिम है, इसका अंत पा जाना कोई खिलवाड़ नहीं है। ज्ञान रूपी उजाला प्राप्त होने पर वह थोड़े से समय में शांत हो जाती है। सूर्योदय होने पर अंधकार शोभा की नहीं निशेष नष्ट हो जाती है। इस समय पश्चिम विप्रचित की जिस वृत्ति से मुक्ति हुई उसको पुनः सुनाते हैं। श्री रामचंद्र जी, अब विप्रचित का अपनी वासना से कल्पित ब्रह्मांड में हुए वृत्तांत का श्रवण कीजिए। ब्रह्मांड में अत्यंत दुर्वती
स्वादुदक सागर के परले पार स्थित स्वर्ण भूमि प्रदेश में किसी संसार भ्रांति में ब्रह्म रूप या महाकाश में अध्यस्त किसी दृश्य मंडल में जो दृश्य रूप से प्राप्त हुआ था वास्तव में ब्रह्म रूप ही था। वह पश्चिम दिशा को प्रस्थित एक विपरीत शांत दंती भगवत भक्ति आदि गुणों की प्राप्ति से जीवन मुक्तों के बीच में जा पहुंचा। वहां पर दृश्य को यथार्थ रूप से पहचान कर पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया, मुक्ति को प्राप्त हो गया। उसी की वह जगदाकार अविद्या और वहां शुद्र शरीर दोनों ही ज्ञान होने से वहीं पर मृग तृष्णा जल के समान शीघ्र ही बाधित हो गए, कारण कि ये दोनों राग मूलक थे। ज्ञानवश राग के नष्ट होने पर वे विलीन हो गए। भगवती श्रुति ने कहा है, जब इसके हृदय में स्थित सभी काम मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, उसके बाद मनुष्य अमर हो जाता है। यही पर मुक्तिवश सुख का अनुभव करता है। प्रस्तुत कथा का उपसंहार करते हैं, इस प्रकार विप्रचित्तों का चरित्र आदि से अंत तक का सारा स्पष्ट रीति से मैंने आपसे कहा। इस प्रकार ये अविद्या कारण ब्रह्म के तुल्य सकल दिशाओं में विप्रचित्तों को इसका अंत न मिलने के कारण अनंत है, कारण कि ये कारण ब्रह्ममयी है। अविद्या की कल्पना करने वाला अज्ञात चित्त की अनंतता से अविद्या की अनंतता है, यो ब्रह्मवत कारण ब्रह्म की तरह। इस दृष्टांत के कथन का तात्पर्य कहते हैं, जो चित्त करोड़ों वर्षों तक जहाँ पर जाता है वहाँ स्वभावता कुछ न कुछ उसे दिखाई देता है। तन्मय इस कथन का भी तात्पर्य कहते हैं, वह ब्रह्म ही अपरिज्ञान होकर शीघ्र मिथ्या अविद्या आदि शब्दों से कहा जाता है, परिज्ञान होकर शांत और ब्रह्म कहा जाता है। यदि शंका हो कि अविद्या और ब्रह्म यो भेद होने पर वही है, यो अभेद कैसे, इस पर कहते हैं, ये भेद भेद नहीं है, क्योंकि ये भेद अविद्यामयी है और अविद्या ब्रह्म रूपी है। चिदभास्य होने के कारण भी भेद चित्त से पृथक नहीं है, ये ब्रह्म ही चिदाभास है, भिन्नता द्विरूप ही है। ज्ञान विहीन उत्तर विप्रचित्त को करोड़ों युगों में भी अविद्या का अंत नहीं मिला, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड मंडप के अंदर भटक रहे अज्ञानी विप्रचित्तों को करोड़ों युगों में भी अविद्या का अंत नहीं मिला। उत्तर विप्रचित्त का ब्रह्मांड खप्पर के जोड़ के आकाश मार्ग से बाहर निकलना कैसे हुआ, ब्रह्मांड भंग का कोई हेतु कहा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्मांड आकाश का ही संभव नहीं है, इस अभिप्राय से श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन के अभिप्रचित्त को ब्रह्मांड कपाट ही नहीं मिला, हे वाग्मीवर, उसे तोड़कर कैसे वह बाहर निकला, ये आपने मुझसे क्यों नहीं कहा। श्री वशिष्ठ जी ब्रह्मांड के दो कप्परों के विभाग में पाषाणोख्यानोक्त कारण की याद दिलाते हैं। ब्रह्मांड मंडल को विदीर्ण किया, उससे ऊपर का एक भाग ऊपर की ओर बहुत दूर तक चला गया और नीचे का भाग नीचे की ओर अत्यंत दूर तक चला गया। जलादि ब्रह्मांड आवरण ब्रह्मांड खप्परों की तरह विभक्त होकर वो उन्हीं के आधार में स्थित हैं। खप्पर रूप आधार वाले वे जल आदि और आवरण उसमें स्थित होकर लटकते हैं, अवलंबन कर स्थिति को उस सब की समान है। विभाग केवल जलावरण का ही है, ऐसा पहले उपादान कर चुके हैं। इस ब्रह्मांड खप्परों के मध्य में अपार परिवार सहित रहित नीला नीला सा जो ये दिखाई देता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश को अपार कहना अन्य भूतों की अपेक्षा विशालता के प्रतिपादन के लिए है, अन्यथा ब्रह्माकाश वरण के पूर्वावरण की अपेक्षा 10 गुणे परिमाण की युक्ति की अनुत्पत्ति हो जाएगी। उसके आगे ब्रह्मांड आकाश का वर्णन भी न हो सकेगा। उक्त आकाश में जल आदि आवरणों का स्पर्श नहीं होता है और वे उसमें हैं।
उसमें है भी नहीं, वह निर्मल जीव जीव शून्य प्रबल प्रलय पर्यंत अन्य भूतों का आधार है। अविद्या का आर पार देखने के लिए मोक्ष होने तक उक्त विरचित नक्षत्र मंडल की तरह आकाश मार्ग से गया। तब तो तदंतर पुरुष प्रयत्न के अटूट रहने से अविद्या का अंत उसने क्यों नहीं देखा। ऐसी यदि किसी को आशंका हो तो अविद्या के अवास्तविक अनंत ब्रह्म रूप होने से ही नहीं देखा ऐसा कहते हैं। अनंत रूपा यह अविद्या ब्रह्ममयी है, क्योंकि ब्रह्ममयी है। जब तक उसके तत्व का परिज्ञान नहीं होता तभी तक उसकी सत्ता है। तत्वज्ञान होने पर उसका अस्तित्व नहीं रहता। इस प्रकार वे विप्रचित ब्रह्माकाश में अत्यंत दूर पहुंचकर अविद्या के जगत रूप कतिपय अनन्य स्वरूपों में भ्रमण करते हैं। एक तो उनमें मुक्ति पा गया, एक मृग बना, कोई दो प्राकृतन दृढ़ प्रबल संस्कार से विवश होकर आज भी कहीं पर भ्रमण करते हैं। श्री रामचंद्र ने कहा है, मुनीश्वर यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वे विप्रचित किस प्रकार के कितने दुर्वती जगतों में भ्रमण करते हैं वह मुझे बताने का अनुग्रह कीजिए। मुनीश्वर कितने मार्ग में वे संसार हैं, जितने में वे उत्पन्न हुए वह महान आश्चर्यमय वृत्तांत है जो कि आपने हमसे कहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, श्री रामचंद्र जी जिन जगतों में वे दोनों विपरीत स्थित हैं वे जगत प्रयत्न से विचार करने पर भी हमारी बुद्धि के विषय नहीं हुए। हाँ, तीसरा विपरीत जहाँ पर मृग योनि को प्राप्त होकर स्थित है वह ब्रह्मांड के अंतर्गत अनंत संसार के साथ संभवतः हमारी बुद्धि के विषय में स्थित है। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, महामते मृगता को प्राप्त हुआ विप्रचित जिस स्थित जगत में स्थित है वह जगत कहाँ है। यथार्थ रूप से मुझसे उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, पर ब्रह्म आकाश में अत्यंत दूर जाकर मृग बना विप्रचित जिस जगत में रहता है उस जगत को आप सुनिए। वही ये जगत आप जानिए जिसमें वह मृग विप्रचित स्थित है, वही परमाकाश है जिसमें अत्यंत दूर तक जगत स्थित है। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवान वह विप्रचित इसी जगत से उस दिग्गत दर्शन रूप गति को गया, वो यही पर आज वह मृग बना है, वो ये कैसे युक्तियुक्त है। जब तक वह लौटकर आगे आए नहीं तब तक उसका यहाँ मृग जन्म संभव नहीं है, ये भाव है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे अवयवी सदा सकल अवयवों को जानता है वैसे ही ब्रह्मात्मा में स्थित सकल ब्रह्मांडों को मैं जानता हूँ। भाव ये है कि ये दूर है, ये अत्यंत दूर है। ये सब विचार आत्मा को परिच्छिन्न मानने वालों को में ही संभव है। आत्मा को अपरिच्छिन्न जानने वालों की दृष्टि में अवयवी की दृष्टि में अवयव की भांति सब जो अति समीप में ही है, ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। यह सारांश है। अन्य लोगों की दृष्टि में तो जो अत्यंत अतीत है वह भी ब्रह्म दृष्टि से अत्यंत समीपवर्ती ही है। कालतः भी किसी भी दूरता नहीं है। इस आशय से वशिष्ठ जी ब्रह्मांडों को विशिष्ट विशेषण कहते हैं। आगे चिरकाल में उत्पन्न होने से इस समय अनुत्पन्न पूर्व काल में प्राप्त हुए संसार में युक्त विविध आकार वाले अत्यंत विलक्षण परस्पर एक दूसरे से अदृश्य होते हुए भी एक चित्त में अध्यस होने के कारण परस्पर अनुच्युत अतः एवं पृथ्वी विकार रूप वस्त्र तंतु आदि के समान स्थित बहुत से ब्रह्मांडों को मैं देखता हूँ। उन ब्रह्मांडों से किसी के या अन्य मार्ग में इस ब्रह्मांड के मार्ग के समान स्थित होने पर जो घटना हुई उसको मैंने आपके लिए इस ब्रह्मांड की सी बनाकर यहीं पर विप्रचित के जन्म आदि राज्य आदि से थे यो वर्णन किया है, क्योंकि तत्व और प्रकाशतः अन्य ब्रह्मांड और यहाँ की घटनाओं को मैं कोई विभेद नहीं है। विप्रचित लोग अनंत आकाश में अपनी अपनी वासना से कल्पित अनन्य संसारों में उसी तरह के शरीरों से पूर्वोक्त उन दिगंतरों में घूमे, एक में ही नहीं उनमें से पूर्व विप्रचित जिसकी मति संसार भ्रमण से तब तक खिन्न नहीं हुई थी अनेकानेक जगत ब्रह्मा
जगत भ्रांति का भ्रमण कर काकतालीय न्याय से इसी ब्रह्मांड में किसी एक पर्वत गुफा में मृग को गया। वह जगतों में भ्रमण करता हुआ जिस दूरवर्ती सृष्टि में विद्यमान है वह ये संसर्ग काकतालीय न्याय से ब्रह्माकाश में स्थित है। श्री रामचंद्र ने कहा, भगवत यदि ऐसी बात है तो वह किस दिशा में है, किस मंडल में, किस पर्वत पर और किस वन में मृग बनकर स्थित है, क्या करता है, सस्य श्यामला भूमि में निवास करने वाला वह किस प्रकार डूब चढ़ता है, बुढ़ापे के समान शिथिल ज्ञान वाला वह कब अपने पूर्व विपरीत जन्म का स्मरण करेगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, त्रिगर्त देशाधीश्वर ने जो मृग भेट में आपको दिया है वह अजायब घर में विद्यमान है, उसे ही आप प्रचित जानिए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, उस सभा में वह ये सब बात सुनकर रामचंद्र जी के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने मृग को लाने के लिए झुंड बालकों को भेजा। इसके बाद बालकों द्वारा लाया गया वह भोला भाला मृग विशाल सभा में प्रविष्ट हुआ। उस तगड़े और प्रसन्न मृग को सब सदस्यों ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। वह अपने काले शरीर में सफेद बिंदुओं से तारा रूपी बिंदुओं से युक्त आकाश की शोभा मात्र कर रहा था। दृष्टिपात रूपी नीलकमलों की लगातार वृष्टि से सुंदरियों का भी तिरस्कार कर रहा था तथा उसके दर्शनों के लिए लालायित सभा का भी अनादर करने वाले सुंदर सभय कटाक्ष वीक्षणों से सभा के खंभों पर जड़े हुए मरकतों की हरे रंग की कांतियों को हरे तिनके समझकर खाने के लिए उधर इधर उधर चंचलता से दौड़ रहा था। कान नेत्र और गर्दन ऊपर उठाकर अपनी अस्थिर अनिर्वचनीय चंचल वेगों से सभी सभासदों को देखने की उत्सुकता से या भागने की आशंका से व्याकुल कर रहा था। उस मृग को देखकर राजा मुनि और मंत्रियों के साथ सभी लोग भगवान की माया अनंत है यो कहते हुए आश्चर्य सागर में डूब गए। सब सभासदों के अवलोकन रूपी घनी नील कमलों की वर्षा से नील से रंगे हुए से और सभा भवन के खंभों में जड़े हुए रत्नों की किरणों से व्याप्त मृग को देखकर रही वह भरी सभा जिसके सब सदस्य आश्चर्यमय वृत्तांत के पुनः पुनः आस्वादन से अति विस्मयुक्त थे। चित्रलिखित कमलिनी सी कमल से पूर्ण तालाब सी हो गई थी। 119वां सर्ग समाप्त।